यो व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो तो गाइस यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो ओके गाइस जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोग गए थे नेदर में और वहां पर जाकर हम लोगों ने तीन अलग अलग तरीके से एशियन डिब्रीज ढूंढने की कोशिश करी थी पहला तरीका था भाई अपना टीएन टी वाला खतरनाक सा जिसमें मतलब हमने एक टीएन टी कैन बनाई थी और उस टीएन टी कैन को ऐसे फायर करने के लिए छोड़ा था कि वो सामने की तरफ में फायर करते रहे ताकि जब टीएनटी जमीन पर जाके गिरे तो वहां पर जाकर वो ब्लास्ट और गड्ढा हो जाए और फिर हमें एंशियन डिब्रीज नजर आ जाए क्योंकि एशियन डिब्रीज टीएन टी से टूटते नहीं है बट इससे कोई फायदा ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि वो जो कैनन थी तीन चार बारी तो सही चली बट चौथी बार ऐसा हुआ कि जो टी फायर होना था मीन्स जो उसमें से शॉट निकलना था वो वहीं पर रह गया और अभी कैनन ही ब्लास्ट हो गई फिलहाल उसके बाद हमने ट्राई करा अपना दूसरा तरीका और दूसरे तरीके ने भाई पूरे के पूरे नेदर में गड्ढा कर डाला और वहाँ से हमें अराउंड थर्टी ए... एक सेकेंड में ये कहाँ आ गया भाई फिर नीचे गिर गया यार बीच में से हाँ तो वहां से हमें अराउंड थर्टी एंशियन डेब्रीज मिल गए थे जो कि यार बहुत ज्यादा होते हैं एक बस छोटा सा टी एन टी ड्यू पर बनाया था जिसमें से टीएन टी गिरते गए गिरते गए पूरे नेदर में खोखला हो गया और सही कमाई होगी अपनी एंशियन डेब्रीज की और जो बाकी एंशियन डेब्रीज है ये मैंने अपने वही पुराने वाले तरीके से मतलब ऐसे एक टनल बनाकर उसमें टी एन टी रख के ब्लास्ट कर दिया और मुझे लास्ट टाइम फोर्टी सिक्स मिले थे पता नहीं हाँ तो उसके बाद मेरे को तीन चार और मिल गए थे और अभी टोटल फोर्टी नाइन एंशियन डिब्रीज हो गए हैं और गाइस आज की वाली जो वीडियो है ना भाई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एडवांसमेंट्स मतलब कि ये सारे ना टास्क या फिर आप लोग कह सकते हो मिशन होते हैं जिन्हें हमें है कंप्लीट करना रहता है इसमें से ऑलरेडी काफी सारे ना ऑटोमेटिकली होते चले गए जैसे कि मुझे एक विदर स्केलेटन स्कल ढूंढना था जो कि मुझे मिल गया और मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे एडवांसमेंट कंप्लीट हो रहे हैं काफी सारी चीजें इनमें से मैं कर चुका हूं बट अभी भी रह रही है जैसे कि एक ये वाला है हमें नेदर पोर्टल से ना घास को अपने वर्ल्ड में लाना है और फिर मारना है एक ये हार्ड मिशन है

50 मीटर दूर से मुझे एक स्केलेटन को मारना है भाई मजा आने वाला है टाइम के के पर एक विलेजर के ऊपर बिजली गिरानी है, भाई। बहुत है। और ये क्या? बोल ओके। तो मुझे 30 मीटर दूर से एकदम सेंटर में मारना है ये मुझे पहले बनाना पड़ेगा मैंने अभी तक तो क्राफ्ट नहीं करा बट ये हो जाएगा जंप हनी। ओ, हनी ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा यानी मुझे लड़ाना पड़ेगा आज भाई ये सारी सारी तो नहीं हो पाएगी बहुत हार्ड होती है बट फिर भी हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे जो इजी है री स्पॉन्ड द एंड ड्रैगन ये कुछ एंड की है आ, मतलब जिसमें से हमने ये सब कर दिया कि हमने एक एंड वाला ले लिया था ब्लॉक ड्रैगन हेड भी हमने कलेक्ट कर लिया है लिया है इलाइट्रा भी ले लिया बट अभी दोबारा से हमने end dragon को ये नहीं करा, और यह क्या है लेविटेट ऑफ फिफ्टी ब्लॉक्स फ्रॉम द अटैक्स ऑफ अ शलकर आप लोग को पता होगा जब एंड सिटी में हमारे ऊपर शलकर मारता है तो हम अपने आप हाँ ही उड़ने लग जाते हैं आसमान में जाने लग जाते हैं तो हमें फिफ्टी ब्लॉक हाइट तक जाना है बहुत ईजी है हम बात नहीं करेंगे जब एंड में जाएंगे फिलहाल ये छोटे मोटे मूव नेस्ट ओके मुझे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के ले जाना है जिसके अंदर तीन बीज होनी चाहिए ये सिल्क टेस्ट से टूटेगा भाई मस्त मस्त है और ये क्या है ओ एक नेदर राइट इंगेट से मुझे एक ये डायमंड को मतलब कि इसे नेदर राइट हो बनाना है ओके सब कुछ ओके ये वाले मेरे सारे एडवांसमेंट हो रखे हैं सिर्फ एक रह रहा है टिफ्लेक्ट अ प्रोजेक्टाइल विद अ शील्ड भाई मैं शील्ड यूज ही नहीं करता तभी वो वाला रह रखा वरना मेरे सारे कंप्लीट हो जाते हैं मतलब पांच कैटेगरी होती है हमारे काफी सारे हो रखे हैं तो आज मैं यही करने वाला हूं बट उससे पहले दो एडवांसमेंट तो अपनी ऐसी कंप्लीट हो जाएगी कि मुझे एक डायमंड को नेदर राइट हुई बनाना है और दूसरी है कि मेरे पास पूरी बॉडी में नेदर राइट का आर्मर होना चाहिए तो मेरे पास ये जितना भी एंशियंट ब्रीस है ना इसको मैं इसको हटाओ भाई आ, मैं ये डालता हूं यहाँ पर एंड जितना भी एंशियंट ब्रीस है यहाँ डाल देता हूं आधा मैं इसमें से निकाल कर नीचे वाले में डाल देता हूँ एंड ये सारे के सारे ना अभी बन जाएंगे एक मिनट ग्लास सारा पहले मैं बाहर निकाल लू तो हाँ अभी ये सारा का सारा कन्वर्ट होने वाला है अपना क्या कहते कहतेदर स्क्रैप्स नेदर स्क्रैप्स ही तो कहते हैं ना जहां तक मैं हाँ नेदर स्क्रैप्स में कन्वर्ट हो जाएगा फिलहाल एक कमाल की चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया ये देखो गाइस इसकी बेल्ट में देखो आपको एमरल नजर आ रहा होगा मीन्स ये वाला जो विलेजर है ये एक, एक्सपर्ट है मास्टर लेवल पे फिर कौन सा कलर हो जाता है मतलब कि मैंने ना भाई बहुत सारे अपने जितने विलेजर्स है ना लास्ट नाइट मैंने इनके साथ बैठ के भाई बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करी है मैं चाह रहा था कि ये सारे के सारे मैक्स हो जाए मुझे काफी सारा आइटम भी मिला इनसे इनसे देखो भाई अभी मैं चाहू ना दो तीन तीन एमरेल्ड देकर दो दो तीन तीन एमरेल बीस एमरेल्ड देकर मैं इनसे डायमंड की पिक डायमंड की शवल ये सब ले सकता हूं मतलब यार मुझे पता नहीं था कि कसम से यार विलेजर से ट्रेडिंग करने का इतना फायदा है जितना पेपर था उन सभी से मैं एमरेड बना लेता हूँ उसके बाद इन सब से ट्रेड करता हूं और इनका लेवल बढ़ाते रहता हूँ फिलहाल यहां पर जितने भी बंद हो बेल्ट देखोगे ना देखो उसकी डायमंड की बेल्ट हो चुकी है मीन मास्टर लेवल पे ओके तो यानी जिस विलेजर की बेल्ट डायमंड पे वो मैक्स है और इसकी तो आयरन पे इससे मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं ये तो एकदम न्यू है आयरन भी नहीं है वो स्टोन है ये एक्सपर्ट लेवल पे इससे और ट्रेडिंग करूंगा तो डायमंड पे जाएगा ओके मेरा आरमेर कहाँ चले गए यार सारे के सारे जितने भी आर वर ना भाई मैंने मेन तो उनको एक्स मैक्स कर दिया है और एक का नाम तो मैंने रख दिया है राजा क्योंकि भाई वो कसम से राजा है उससे अगर ट्रेड करूंगा ना भाई दबा के अबे मरमुरा तो नहीं गया भाई वो यही होगा यही होगा डायमंड है ना इधर दिखा ओहो भाई यही ये, ये देखो मैं इसको ट्वेंटी फोर एमरेट्स देकर एक डायमंड की शॉट ले सकता हूं और आपको पता है ट्वेंटी फोर एमरेट्स मिल रहे कितना मजाक वाली बात है शुगर के इन फार्म से शुगर लाऊंगा या फिर आ, मेरे पास रोटन फ्लैश की कोई कमी नहीं है वो ला के मैं इन विलेजर से ट्रेड करूंगा विलेजर से मुझे एमरेट मिलेंगे और उन एमरेट से मैं ये डायमंड ले लूंगा डायमंड शॉर्ट को भाई ये भी ले सकता हूँ उल्टा इसके अंदर तो भाई ये देखो शार्पनेस सेकंड एंड नॉक बैक भी लगा हुआ है मतलब एक और आर्मर था मेरे पास वो तो मेरे को पिकेस भी देते अच्छा ये तो सॉरी 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 आपसे गलती होगी भाई ये तो लाइब्रेरियन अपना यहाँ पर ये कौन आर्मर है ना तो ओ हाँ ये ये राजा 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 इसी का नाम रखा है देखो ये तो पिक एक्स भी दे रहा है शिविल भी दे रहा है एक्स भी दे रहा है हो भी दे रहा है और कितने में एक एमरेल में एक डायमंड हुए मतलब कितना मजाक के भाई ये सारे एमरेल्स मेरे को लग रहा था भाई ये ये कैसे लेटने लग गए भाई टूट जा तेरा कोई फायदा नहीं है सोने का तो तू, तू नहीं सोएगा निकल यहाँ से फटाफट मैं सोंगा उस पर अभी क्योंकि यार बाहर बारिश भी होने लग गई आपको पता ही नहीं विश्वास हो रहा है एक मिनट रुक जाओ पहले मैं विश्वास दिला दूँ मुझे तो आवाज़ आ रही है फिलहाल आपको भी आवाज़ आ रही होगी ये देखो <laughs> जुगाड़ दिख गया मेरा आप लोग भी सोचते हो भाई ऊपर से धुआं कहाँ से आ रहा है तो मैंने यार वो लगा रखे थे कैंप फायर बट अभी वो खुले हुए हैं वहाँ से ताकि बारिश का पानी भी अंदर आना चाहिए तो वो कैसे आके सो रहा है मैं पहले। लेट्स गो अभी जल्दी से हम लोग सोते हैं दे हम लोग देखते हैं कि भाई आज मैं कितने एडवांसमेंट्स कंप्लीट कर पाता हूं मैं करूंगा भाई एक मेरे से ट्रेडर आया हुआ है मुझे शेल दे देगा दे ना भाई मजा आ जाएगा कसम से क्योंकि अगर मेरे को चार पांच शेल और मिल गए ना अभी डर क्यों रहा है रुक जा रुक जा रीलोड कर रखा है मैंने ये काफी ज्यादा सही होते हैं मतलब रीलोड में इसमें टाइम जाता है बट इसकी रेंज मेरे हिसाब से ना एक नॉर्मल बहुत से बहुत ज्यादा होती है ये देखो ओ भाई भाई, भाई मेरे ऊपर ही आके गिर जाएगी वो वो कितनी दूर गई है भाई भाई अब गई ये आके गिरी नीचे तो दो मिनट रुक जा तू पहले दिखा तो ट्रेड क्या क्या, क्या कर रहा है अरे सर एक मिनट ओह शल दे शल धीरे दे धीरे रुक जाओ एमलेट्स कितने लेगा इसके बाद हेमलेट्स पांच ले रहा भाई मेरे पास ऑलरेडी चार पांच शेल है फटाफट से इसमें से ट्रेड करके ये शेल ले लेता हूँ ताकि मैं कॉन्डुइट बना पाऊं कॉन्डुइट ऐसी चीज है जिससे हम लोग पानी में भी, भी सांस ले पाएंगे और शायद उसका भी एडवांसमेंट होगा भाई ऐसा होना चाहिए वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है हमलेट्स मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं ढेर सारे यहाँ से ले, ले लेता हूँ बाकी तो मुझे और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं भाई जितने भी लाइब्रेरी है ना इतना बढ़िया बढ़िया सामान देते फूड वूड कुछ भी पाप वाप बनाने की जरूरत ही नहीं है ऐसा सीन हो गया ओके ब्रो 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 एक मिनट रुको इधर 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 लाओ शेल लाओ एक दो तो, तीन चार पांचों लेता ले तो हूं बहुत ज्यादा रेयर आइटम है मतलब जिन्होंने कॉन्ट्रीट बनाया उनको पता होगा और ये वाला गेट मैंने ठीक कर दिया करना था हाँ मुझे ये जो शेल में लाया हूं मेरे को इसके अंदर रखवाने ये अभी टोटल टेन हो चुके हैं कॉन्ट्रीट बनाने के लिए हमारे पास एट होने चाहिए एंड हार्ट ऑफ द सी होना चाहिए जो कि मुझे ओ भाई 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 एक सेकेंड यार ये देखो क्रीपर कहां से आ गया मैं एक बार चेक करता हूँ बिना एंटेंटेड वाली इस क्रोसो से क्रीपर को मारने में कितनी आर की जरूरत पड़ती है पड़ कुछ भी नहीं हो रखा है दो पड़ गई कोई फर्क नहीं पड़ा ब्लास्ट होने वाला है की की भागो से मर 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 गया क्या? मर गया मर गया क्या तीन तीन जरूरत पड़ मतलब ठीक है नॉर्मल बो में मेरे हिसाब से चार मारना पड़ता है विदाउट एंटेंटेड ओके अभी सब कुछ हो चुका है भाई गोल्ड मेरे पास प्लीज होने चाहिए ओके तो अभी मुझे एक नेदराइट इंगेट बनाने के लिए कुछ इस तरीके से गोल्ड को रखना पड़ेगा चारों साइड पर आ, बीच में गैप छोड़ना होता है ना शायद तो बाकी जो स्क्रैप्स उसको रखता हूं। ओ, बन गया एक दो तीन चार पांच है। देखता हूं कितना बन जाता है यहां पर बस ग्यारह एंगेट्स बन गए हैं बाकी जो स्क्रैप्स हैं इसको मैं संभाल के रख लेता हूं गोल्ड जब हो जाएगा तो हम इसका यूज कर लेंगे फिलहाल पांच ही बचे हैं सब सिर्फ ग्यारह बने इतनी ज्यादा माइनिंग करने के बाद <laughs> भाई चलो कोई नहीं सबसे पहले गाइस इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ अपने बूट्स ताकि अपना एक एडवांसमेंट कंप्लीट हो ये मैंने यहाँ पर डाला एंड ये रख दिया यहाँ पर सॉरी 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 टूल स्मिथ टूल स्मिथ मेरी गलती मेरी गलती मुझे टूल स्मिथ पर जाना पड़ेगा पहले एंड मेरे पास एक डायमंड भी पड़ा हुआ है ना वो भी ले चलता हूँ उसमें कोई एंचैंटमेंट तो नहीं लगी है बट कोई आप नहीं इसमें एनचैंटमेंट की मेरे हिसाब से कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं फार्मिंग करने नहीं वाला ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एनचैटमेंट मिल जाए ओके भाई भीड़ देख रहे हो भाई कितने सारे विलेजेस हो गए इन्हीं से पोटेटो लेके इन्हीं को खिला दूंगा <laughs> ताकि इनकी जनसंख्या बढ़े फिलहाल ये रहा अपना टूल्स में टेबल यहाँ पर रखा ये फिर रखा ये ये हो गया अपना एक एडवांसमेंट कंप्लीट एंड उसके बाद अपने ये बूट्स ये रखा यहाँ पे और ये हो गया अपना एक और एडवांसमेंट गो एक साथ दो दो एडवांसमेंट भाई, भाई 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 कितनी खुशी हो रही है एक बार मैं चेक करता हूँ नहीं uh, तो इसमें आएगी क्या वाली एडवांसमेंट हाँ यहां पर होगी फुलट वाली पोर्शन एंकर भाई, 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 बनाने के लिए जैसे कि मैंने बताया क्राइंग ऑफ सीडियन चाहिए होगा जो कि हमें रुइंड पोर्टल पे भी मिल जाता है बट वहाँ पर एक दो मिलेगा उससे बढ़िया मैं किसी पिगलिन uh, से ट्रेड कर लूंगा वो मेरे को तीन चार देगा दे दे और ये क्या है डिस्ट्रैक्ट पिगलिन पिगलिन के पास चलते हैं दो दो कंप्यूटर जाएगा ओ मुझे राइड भी करना पड़ेगा वो जो दूसरे वाले मॉब नहीं होते वो जो लावा पे चलते रहते हैं लावा पे जो चलते हैं उसके ऊपर मुझे राइड करना है तो शायद सैडल भी चाहिए होगा फिलहाल अपना इतना काम कंप्लीट हो चुका है काम करता जो नेदर राइट इंगेट इनको वेस्ट कर डालता अपनी सारी चीजें इसमें बना दिया है मैंने इस टाइम पर नेदर राइट की कुछ रह रहा है क्या न, कुछ भी नहीं रह रहा भाई सारे टूल्स अपने के हो चुके हैं जो कि यार मेरे लिए सच्ची में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है तू जा क्यों नहीं रहा तेरा होगा चल निकल यहाँ से दिमाग खराब कर रहा है मेरे को इससे शल वापिस अटैक करोगे तुम्हारी ऐसी कितने वापिस वापस किसने मारा ओ भाई 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 यहाँ से एक मिनट यार कुछ तकड़ा इनके लिए टी एन टी कैन चला ऊपर वैसे मेरा ज्यादा नुकसान हो जाएगा और ओ मुझे ये भी चाहिए हेलो अब तो तेरे वो चेले गए अब क्या कर लेगा तू मेरा निकल यहां से पता नहीं यार अगर इसके किल गिने जाए ना तो मेरे पता नहीं कितने किल हो चुके होंगे वैसे भी मैंने एक एडवांसमेंट और चेक नहीं करा इसके अंदर काफी सारे हो सकते हैं नहीं है तो कहीं ना फिलहाल मैं बाहर से हे वेल तोड़ के ले आता हूँ क्योंकि मुझे अभी बनाना है टारगेट और टारगेट बनाने के लिए मुझे हे वेल की जरूरत पड़ने वाली है और चार रेडस्टोन डस्ट की जो कि मैंने कलेक्ट कर लिया है अब फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं और

थर्टी ब्लॉक्स है ना एक बार चेक करते हैं भाई इसे थर्टी मीटर दूर बारह जब भाई बारह हजार ढंग से लड़ते हैं ताकि पता तो चले भाई क्या से इन चल रहा है भाई अगर मान लो गिना जाए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाइस भाई सिर्फ बाईस ही हो रहा है यार मतलब थर्टी यार बहुत दूर है खैर उसको छोड़ो वो काम हम लोग बाद में करेंगे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो अपना टारगेट है ना इसके जो मैं सेंटर में शॉट मारना है बुलज आए शॉर्ट उस शॉट का जो अपना अचीवमेंट है वो मुझे कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड मेरे हिसाब से यहाँ से लेकर वहाँ तक 30 मीटर तो होगा ना इसको मैं यहाँ पर रखकर नहीं स्टिक नहीं बनानी एक काम करता हूँ इसको मैं ना कुछ इस तरीके से नीचे रख देता हूँ ताकि मुझे अलग ही नजर आए ये एक ब्लॉक दो ब्लॉक एंड इसके ऊपर रखते हैं अभी हम लोग टारगेट तो मुझे कुछ इस तरीके से एक से पहले रिलोड करता हूँ एकदम यू ओ तेरी भैंस की इतनी पास से नहीं लग रहा है तो मतलब एकदम रेड वाले पे लगना चाहिए और वो भी थर्टी मीटर दूर से तो एक बार हाँ नाप लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन भाई ये तो बहुत दूर जाने वाला है एलेवन ट्वेल्थ थर्टी फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटी सेवेंटी एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थर्टी टू थर्टी थ्री थोड़ा सा पीछे जाता हूँ कहीं मुझे अच्छे से नहीं पता कि यार मतलब थर्टी मीटर माइनक्राफ्ट के हिसाब से कितना होगा मेरे हिसाब से एक चंक ही होगा भाई 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 ये तो ये थोड़ा थोड़ा मुश्किल सा लग रहा है शॉर्ट मारू देखता हूँ भाई कहाँ गया एक मिनट थ्री टू वन ओ भाई, भाई 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 मुझे थोड़ा सा ऊपर कर हाँ ठीक है ये ज़्यादा हार्ड नहीं है थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दोबारा रिलोड करते हैं वैसे ये बो से करना है फिर क्रॉस बो से भी कर सकते हैं मुझे मालूम नहीं है बिल्कुल दोबारा शॉर्ट करता हूँ एक ओ पार हो गया तो पार हो गया थोड़ा सा नीचे आना है दोबारा रिलोड करते हैं थोड़ा ज़्यादा ही तेज तेज में ना पार हो गया था इस बार ये हमारा शॉट ये पीछे गया है भाई 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 दीवार के पीछे जा रहे हैं थोड़ा सा दोबारा नीचे आते हैं धीरे धीरे नीचे करूंगा क्या पता एक ना एक बार तो लग ही जाएगा इतना भी हार्ड नहीं कहूंगा इसे मैं ओह नेक्स्ट होने वाला है नेक्स्ट होने वाला है हल्का सा नीचे आए समझ लो इस बार हो गया आ, लेट्स को अरे 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 भो इतना तिरछा कैसे हो गया ये तो गाइस अभी फिलहाल मैं एक न्यू क्रॉपपो और थोड़ी सी एरो लेकर आ चुका हूँ क्योंकि जो पुरानी वाली क्रॉसपो थी ना उसकी एचपी थोड़ी सी कम थी जिस वजह से मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि भाई शॉट्स ऑटोमेटिकली थोड़े बहुत टेढ़े जा रहे हो क्योंकि एक शॉट मैंने सेंटर के ना हल्का सा राइट में मारा था फिर मैंने हल्का सा लेफ्ट करके एक और शॉट मारा और वो तो भाई सब टारगेट से ही बाहर चला गया इसीलिए भाई वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए कि एचपी कम है तो निशाने टेढ़े जा रहे हो बट मेरे पास ना इस अचीवमेंट को करने के लिए एक मस्त ट्रिक है मैंने फील्ड ऑफ व्यू एकदम कम कर दिया और अभी ये ना काफ़ी ज़्यादा जूम हो गया है और इस हिसाब से ना मुझे बहुत ऊपर शॉट मारना पड़ेगा ये तो कुछ ओ बट इस तरीके से एकदम तो मस्त शॉट जा सकता है हल्का सा मैंने नीचे करा है इस बार ही हम लोग ट्राई करते हैं भाई अभी मुझे चरा सा नीचे करके राइड करना है ठीक है अभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से हल्का सा मैंने करा है ये ज़्यादा हो गया है मेरे हिसाब से हंड्रेड परसेंट ये बाहर कहाँ चला गया भाई इतना ज़रा सा मैंने करा था ठीक है अभी हम लोग ट्राई करते हैं सेंटर तो नहीं है बट सेंटर का राइट हो गए ओ oh, राइट right है बट थोड़ा सा ऊपर मेरे हिसाब से गाइस ये जो एडवांसमेंट है ना भाई कौनसॉल प्लेयर्स के लिए बहुत आसान होगा क्योंकि वो इजीली जॉयस्टिक से अपनी एम को एडजस्ट कर लेंगे वैसे मैंने कभी माइंड काफ खेला नहीं है कौनसॉल में बाकी अगर आप एक कौनसॉल प्लेयर हो ना तो मुझे बताना आपने इसे इजीली करा या फिर आपको भी इतना टाइम लगा था फिलहाल देखो शॉर्ट कितने मस्त जा रहे हैं अब दिक्कत माउस में ये हो रही है कि अगली बार जब मैं शॉर्ट दे रहा हूँ ना तो माउस हल्का फुल्का हिल जा रहा है

तो सीधी सी बात है ना इससे निशाना कभी लग ही नहीं पाएगा भाई ये क्या था चलो कोई नहीं अभी मैं अपनी बो से करता हूँ फायर मतलब शूट एंड अभी देखो अगर मैं दोबारा मारता हूँ बो तो ये वापस एकदम एग्जैक्ट वहीं गया है और मैं इस बार ना निशाना अपने माउस से नहीं अपने आप को राइट लेफ्ट मूव करके एडजस्ट करने वाला हूं इस बार शायद से शॉट नीचे गया तो मुझे थोड़ा सा लेफ्ट होना चाहिए ठीक है तो गाइस मुझे लग रहा था वो क्रॉस बो की दिक्कत है बट वही सेम चीज बो के साथ भी हो रही है ये देखो मैं अपना माउस नहीं छू रहा हूं मेरा हाथ यहां पर है तो निशाना हर बारी अलग अलग, अलग जगह पे जा रहा है सेंटर पे जाते जाते ना कम से कम पांच बारी क्या छह सात बारी बच चुका है मैं थर्टी मीटर दूर नहीं हूं क्या भाई क्या पता सेंटर पे लग गया हो भाई हो गया गाइस फाइनली इतनी ज्यादा कोशिशों के बाद मैं लगा रहा और ये जो एडवांसमेंट है कंप्लीट हो गया आप लोग खुद देखो भाई इसको करना भाई कसम से मुश्किल नहीं है बट यही है कि हाँ टाइम टेकिंग है क्योंकि एक जो सीन है ना आज मुझे पहली बार पता चला है माइनक्राफ्ट का कि भाई हम जो शॉट मारते हैं ना वो हर बारी थोड़ा बहुत अलग अलग जाता है तो मेरा जो शॉट इधर लगा था ना तो मैंने अपनी पोजीशन फिक्स कर ली माउस तो भाई मैंने काम छोड़ दिया था अभी पहले मुझे अपने बटन्स चेंज करने पड़ेंगे तो जो कंट्रोल मैंने जी पे सेट करा था मुझे वापस से राइट बटन पर सिलेक्ट करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि माउस में बार बार छू रहा था तो मेरा एम मतलब कि मैं शूट करने के लिए बार बार माउस छू रहा था मेरा ये हल्का फुल्का हिल जा रहा था जिस वजह से इतनी देर से नहीं हो रहा था फिलहाल मैं अपना दूसरा अचीवमेंट भी अभी कर लेता हूँ ना मुझे अपने एक विलेजर के ऊपर ट्राइडेंट से गिरानी पड़े भाई 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 ट्राइडेंट

मुझे उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि मेरा विलेजर बाहर कैसे आएगा क्योंकि ये ओ विलेजर तो यहीं पर है ना इनको मैं बाहर ला सकता हूँ बट काफ़ी मुश्किल है अंदर तो नहीं यार अंदर नहीं हो पाएगा अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी इस विलेजर को अगर मैं मारूंगा तो ये बाहर जाएगा हल्का सा मैं इससे यूँ मारता हूँ चल बाहर निकल यहाँ से नीचे मैं ओ गया क्या हो गया हो गया कम बस ये अब अंदर ना आए रुक जाओ उब्रो ऊबरोब्रो ऊपर अंदर गेट 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 बंद गेट बंद रुक जाओ इसके ऊपर ऊपर ओ हेलो भैंस की गिराओ यार बिजली गिराओ भाई ये यार थोड़ा सा ना वैसे घूम रहा है इसको मैं ऐसे मेरा क्लैरिक मर गया भाई वो बहुत चलो कोई नहीं यार अभी एमरल्ड्स तो हैं बट यार फिर भी वो थोड़ा अमीर क्लैरिक था कि दूसरा क्लैरिक नहीं यार किसी और को मैं बाहर बुलाता हूँ आप आ जाओ सर ये भी डायमंड वाला है कोई सस्ता विलेजर नहीं है क्या यार मेरे पास पूरे मैक्स हो रखे हैं सारे विलेजर ये लाइब्रेरियन सस्ता है बाहर निकल बाहर निकल तेरी ऐसे कि से ये रहा रास्ता वहाँ से कहाँ से जा रहा है ओह मैं ऐस की जो भी अंदर आ गया अभी तो सारे उठ गए नहीं 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 नहीं

कि एक विलेजर के ऊपर बिजली गिर जाती है तो वो विच बन जाते हैं चलो कोई नहीं फिलहाल आज कुछ काफ़ी सारी चीज़ें नहीं नहीं पता चल रही है फिलहाल इस विच को मारने के बाद मुझे एक पोर्शन मिला है पोर्शन ऑफ हीलिंग इसको पीने से मेरे को मालूम है कुछ नहीं होता बट फिर भी मैं पी लेता हूँ यार क्या पता हेल्थ बढ़ जाए सही में और अभी मैं अपने बाकी एडवांसमेंट देखता हूँ एक एडवांसमेंट शायद से कॉन्ड्रिट को भी बनाने का होता है अब कॉन्ड्रिट क्राफ्ट करने का होता है या फिर उसे वहाँ पर ले जाकर प्लेस करके बनाने का होता है ये मुझे नहीं मालूम बट हाँ मैं भी कॉन्ड्रिट बना सकता हूँ फिलहाल सबसे पहले अपने नेत्रोराइट इंगट में इसके अंदर रखवा देता हूँ बहुत बढ़िया रहेगा जो कि एंड मेरे पास शेल सारे पड़े हुए हैं मेरे को हार्ट ऑफ द सी भी मिल गया था ये शेल मैं यहाँ से उठाता हूँ हाँ तो गाइस इस कॉन्ड्रिट बनाने के लिए मुझे हार्ट ऑफ द सी को सेंटर में रखना है एंड इसके चारों तरफ मुझे ये रख देने अपने शेल्स को एंड ये बन गया कॉन्ड्रिट और इससे कोई भी एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है एक बारी मैं चेक करता हूँ कोई होता भी ऐसा एडवांसमेंट यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा वैसे होना यहीं पर चाहिए था एक बार एडवेंचर में चेक कर लेता हूँ नहीं यार Conduit को बनाने का कोई भी नहीं है फिलहाल यहाँ पर ये जो है ना ये दूसरे वाले मिशन इसमें मुझे पिलेजर्स को आपको पता होगा पिलेजर हमें क्रॉसबो मारते हैं तो हमें उनको उन्हीं का क्रॉसबो मारना है देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इज द प्लेजर्स नाउ गिव अ अ टेस्ट ऑफ देयर मेडिसिन बट ये वाला काफी ज्यादा मुश्किल है टू बर्ड्स वन एरो मतलब हमें दो फैंटम्स को मारना है वो भी एक तीर में एक तीर से दो निशाने ये थोड़ा हार्ड होने वाला है बट हाँ इसको भी हम लोग कर डालेंगे फिलहाल मैं कॉन्ड्रिट को संभाल के रखी एक महंगा आइटम है भाई बहुत ज्यादा ये मतलब समझ लो ड्रैगन हेड जितना नहीं ड्रैगन हेड खुद ज्यादा कीमती है बट ये भी सची मैं यार आउट ऑफ द सी भी मिलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता इतना सब कुछ हो चुका है मैं अपने और एडवांसमेंट देखता हूँ मुझे कहा कंप्लीट करना चाहिए ये शील्ड से डिफ्लेक्ट करने के लिए मैं अपने स्केलेडन से बच सकता हूँ शील्ड बना लूंगा ये बहुत ईजी है एंड मुझे हनी बी का वो ढूंढना पड़ेगा छत्ता प्लांट टा सीड एंड वॉच इट ग्रो इतना फालतू टाइम है कि मैं उसे खड़े होकर देखूँ वो कैसे हो गई है नहीं ये तो ना ही वो बढ़िया है भाई कुछ बढ़िया चीज दिखाओ यार एंड में मैं भी जाने नहीं वाला एडवेंचर

हो सकता है वो वाला जो मॉन्स्टर है जो ला नेदर के लावा में चलता है ना मैंने उसे शायद कभी नहीं मारा क्योंकि उस टाइम मेरे को लावा से बहुत डर लगता था और उसके बाद मेरी उससे कभी इतनी मुलाकात नहीं होती है तो एक मॉब तो मेरे हिसाब से वो हो सकता है बट वो मेरे हिसाब से मॉन्स्टर हाँ मॉन्स्टर कैटेगरी का ही होगा तो वो हो सकता है बाकी आखिरी कौन सा है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है तो हाँ गज हम लोग ये करते हैं और ये क्या है डिस्कवर एवरी बायोम 42 टाइप की ओल्ड बायोम है एंड मैंने अभी तक थर्टी एटी एक्सप्लोर करे है चार बायोम रह रही है भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है वो चार कौन सी बायो में वो तो घूमते रहूंगा अपने आप ही हो जाएगी वैसे गाइस मेरे पास ना एक गोल्डन हो पड़ा हुआ है जिसके अंदर सिल्क टच लगा हुआ है तो क्या पता इस वाले सिल्क टच का भी काम वही हो वैसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ इससे ग्लास तोड़कर अगर ग्लास मुझे वैसे देखो अगर मैं नॉर्मली तोड़ूंगा तो कुछ नहीं मिलता बट अगर मैं इससे तोड़ूंगा ना तो मुझे ग्लास मिल जाना चाहिए अगर मिल गया तो ये काम करेगा ठीक है मतलब कि अपना गोल्डन वाला काम हो जाएगा तो अपना जो नेदर राइट वाला ना इसको मैं रख देता हूँ ताकि अपने पास थोड़ी बहुत जगह बची रहे थोड़े बहुत एमरेट्स हैं तो मैं चलकर ट्रेड करता हूँ खाना लेते हैं एंड सीधा

बंदे के ऊपर राइड करना है और ये मुझे सात किलोमीटर चलना है तो भरा पड़ा उसके पास तो पंपिन पाई दे दे इससे देर तक टिकती नहीं है बट बड़, बड़ बहुत जल्दी जाती है तो वो सही है भाई ये बच और बहुत सही होते हैं इससे मैं अपना ये कुछ चिकन ले सकता हूँ थोड़े बहुत एमलेट में इतने में अपना पूरा काम हो जाएगा तो चलो भाई सभी फटाफट से हम लोग निकल लेते हैं सीधा पिलेजर टावर के पास वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से पास में ही है तो बस मुझे यहाँ से एकदम सीधा सीधा निकलना है और हम लोग पहुंच जाएंगे मेरे पास रॉकेट्स भी हैं इलाइट्रा भी हैं और मैं तब भी पैदल घूम रहा हूँ वाह इलाइट्रा रखा भी मैंने कहाँ पर है लेट्स को भाई मज़ा आ जाएगा सारे एडवांसमेंट कम्प्लीट हो गए ना भाई मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि माइंड में जितने भी मिशन थे वो मैंने सारे कम्प्लीट कर दिया भाई ओ भाई अपना एक पांडा देखो भाई कितनी ज़्यादा दूर आ गया धीरे धीरे करके इस पांडा को अवार्ड मिलना चाहिए भाई कासल एस्केप करने का भाई वैसे वो कासल ले इनके लिए तो वो प्रेजेंट ही है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरे सामने एक जंगल बायो आ चुकी है जहाँ से मुझे ये पांडास मिले थे फिलहाल यहाँ पर ना और भी पांडास हो सकते हैं क्योंकि पांडा भी ना एक नहीं कम से कम छः सात अलग अलग टाइप के होते हैं और जो मैं पांडा लाऊँ ना भाई ये जो पांडा है ये थोड़े बहुत स्लो है बट काफ़ी ज़्यादा फनी है ऐसे कुछ कुछ पांडाज होते हैं जो कि मतलब एक थोड़े बहुत सैड से होते हैं थोड़े बहुत और फनी होते हैं कुछ ऐसा सीन होता है जहाँ तक मैंने माइनक्राफ्ट क्राफ्ट के एक उसमें पढ़ा था फिलहाल कोई नहीं वो वाले पांडा अगर किस्मत में हुए तो यहाँ पर मिल जाएंगे मैं उनको भी ले जाऊंगा बट अभी कुछ पता नहीं है यार मैं पता क्या सोच रहा हूँ गाइस हम लोग ने एक जू बनाए जिसके अंदर माइनक्राफ्ट में जितने भी एनिमल्स जितने भी मतलब टाइप के मॉप्स हैं सबको लाकर हम लोग जू में रखें मॉप्स भी कह रहा हूँ मैं क्रीपर वगैरह के लिए भी गुजर कुछ बना देंगे सबको नेम टैग दे देंगे ताकि वो डीस्पॉन ना हो फिलहाल मैं मेरा इस टाइम पर ज्यादा ध्यान पता है किस चीज पे है मैं हनी बी ढूंढ रहा हूँ भाई मतलब जो हनी बी का नेस्ट होता है ना वो इस बायो में, में मेरे हिसाब से नहीं होता वो एक नॉर्मल ग्रीन बायो में ही होना चाहिए अगर वो मिल जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा अपना वो वाला अचीवमेंट भी डन हो जाएगा इजीली तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं पिलेजर आउटपोस्ट के पास पहुंचने वाला हूं और गाइस ये वो वाली नहीं है जहां पर हम लोग पहले एक बारी आए थे मैंने आप लोग को याद होगा एक बारी मतलब अपने कासल के ऊपर एक बार नहीं दो बारी रेड करवाई थी तो मैंने दूसरी वाली पिलेजर आउटपोस्ट से करवाई थी और ये मेरे को भी रिसेंटली मिली है ये भी अपने कासल के पास में ही है और आज मैं यहाँ पर दूसरे पिलेजर से पंगे लेने वाला हूँ भाई भाई ये तो देख लो भाई कैसे भगते हुए सारे के सारे मेरे को मारने के लिए आ चुके हैं एक मिनट भाई 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 मैं अपना ये पहन लू पहले लाइट्रा हटाकर कर अपनी चेस्ट प्लेट को और एक ने तो खुद में ही दे मारी भाई रुक जाओ मुझे इनके क्रॉसबो रहे है ना ठीक है ये मैंने खोला एडवांसमेंट कंप्लीट होते हुए लेट्स गो भाई रुक जाओ इसके भी मैं रख के बजाता हूँ कर लो बेटा जो करना है जो करना है कर लो वैसे यार मुझे ना शील्ड लेकर आनी चाहिए थी अपना एक और एडवांसमेंट कम हो गया भाई हो गया ये वाला तो हो गया अब आ जाओ बेटा हमारी ऐसे की तरह से कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब चौड़े हो गए ज्यादा निकल से तू इधर आ जा तू भी निकल मेरे से फैलोगे तुम बेचारे <laughs> बच्चे हैं यार खाली पीली मेरे से लड़ने के लिए आ जाते हैं उधर की तरफ में एक और है मतलब पहले बहुत डेंजरस लगते थे भाई कसम से इनको देख के डर लगता था <laughs> एक बार इनको देखो भाई कितनी प्यार से मैं मार रहा हूँ भाई इनके ऊपर मेरे को कसम से हंसी आ रहा है कि वैसे यार ये धड़ाई धड़ यहाँ पर स्पॉन होते रहते हैं मतलब इस एरिया में ये स्पॉन होते रहेंगे होते रहेंगे मैं चाहूँ तो ना यहाँ पर एक मस्त इनके लिए फार्म भी बना सकता हूँ जिससे कि मुझे बढ़िया बढ़िया आइटम मिलता रहेगा और इनका जो राजा होता है ना उससे तो उससे नहीं मतलब अगर जब वो रेड करता है और हम रेड में जीत जाते हैं तो टाइम ऑफ फंड मिलता है सारे विलेजर्स के वैसे एक सेकेंड प्राइस रिसेंटली मैंने अपने सभी विलेजर्स को मैक्स लेवल पर पहुंचाया है और अगर ये लोग मेरे ऊपर रेड करें मीन्स मेरे कासल पर रेड करें तो विलेजर्स सारे डर जाएंगे और मैं अगर अपने विलेजर्स को इनसे बचा लूँगा तो उनको लगेगा कि मैंने इनको फिर से रेड जितवा दिया है और वो लोग खुश हो जाएंगे भाई मतलब पैसा ही पैसा होगा उन सभी के रेट डाउन हो जाएंगे मुझे टैंक भी मिल जाएगा और इनकी कुटाई भी हो जाएगी लगे हाथ जो कि बहुत ज़्यादा सही है भाई 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 ये तो मुझे करना है इस तरफ में एक और है मुझे पता था ये चारों तरफ घूमते रहते हैं अभी ये मेरे ऊपर रेड करने वाले हैं बस मुझे पहले अपने कासल में वापस जाना पड़ेगा मैं आस पास ना गाइस हनी बी का छत्ता जो होता है मीन उनका जो नेस्ट होता है वो ढूंढ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और वो वो सामने की तरफ में एक हनी बी है ओके बट उसका नेस्ट मेरे को नहीं नज़र आ रहा भाई डेंजरस होती है ना थोड़ी मतलब ये कोई इफेक्ट तो दे देती है मैंने पहले इनसे लड़ाई करी थी तो ओके गाइस फाइनली इतनी ज़्यादा ढूंढा ढांडी करने के बाद मुझे हनी बी का नेस्ट मिल चुका है और मैं पीछे की तरफ में जाकर ढूंढ रहा था और ये विलेजर आउटपोस्ट के बगल में ही पड़ा हुआ था इसको तोड़ना है मुझे सिल्क टच वाली इस ख्वाह है और मुझे मालूम नहीं है कि इसके अंदर तीन हनी बी होगी या फिर नहीं अगर होगी तो सीधी सी बात है अपना एडवांसमेंट कंप्लीट हो जाएगा वरना यार कुछ नहीं होगा ये मैंने तोड़ दिया है नहीं हुआ यार कलेक्ट करके देखता हूँ क्या पता अच्छा हाँ मुझे इसे मूव भी तो कराना है पूरा एडवांसमेंट ये नहीं था पूरे एडवांसमेंट में मुझे इसे मूव भी कराना है और मूव करा के मुझे इसे लगाना काम पर है तो मैंने देखा ही नहीं था हनी बी हनी बी हनी बी का एडवांसमेंट ये रहा मूव अ बी नेस्ट विद थ्री बीज इन साइड यूजिंग सिल्क टच ओके इसको मैं मूव कितनी दूर पर कराऊँ मुझे ये भी तो नहीं मालूम चलो कोई नहीं थोड़ी बहुत दूर करा लेते हैं मुझे ना इसके अगल बगल एक हनी बी तो उड़ती हुई दिखी थी क्या पता वो इसी के अंदर चली गई हो इसके अंदर टोटल तीन होनी चाहिए बट यार ये सब पता कैसे चलेगा इसको मूव करा के ना एक काम करता हूँ इस वाले ट्री पे लगा देता हूँ या फिर इसे अपने कासल पे ही लेकर चलते हैं क्योंकि अभी ये लोग ग्रेड भी करने वाले हैं तो काफ़ी रहेगा इसे अपने कासल पे ले जाकर लगाएंगे बहुत सही सीन है लच्च को और यहाँ पर ना कहा एक बायोम और है यहाँ पर मैं एक बार ओ ढूंढने डांडी कर लेता हूँ क्या पता एक और मेरे को नेस्ट मिल जाए मान लो इसके अंदर तीन बी ना हुई तो मुझे दूसरे वाले बायोम से जो बी मतलब की नेस्ट मिलेगा क्या पता उसके अंदर हो बट मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम ये थोड़ा सा रेयर है यार मतलब इतना भी मेरे को लग रहा था इसकी कोई ऐसी बायोम होती होगी जहाँ पर भर के लगे होते होंगे बट ऐसा नहीं है कि तो किसी भी बायोम में हो सकता है मेरे हिसाब से बट ढूंढे ढांडी करने पे ही मिलता है ऊपर से इसको ढूंढना थोड़ा बहुत मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि ये जो ट्रीज़ होते हैं ना इसके लॉक्स जैसा ही इसका भी कलर होता है मतलब एकदम सेम तो नहीं होता बट बटा फिर भी थोड़ा बहुत मैचिंग मैचिंग रहता है और एकदम उसी के बगल में चिपके भी रहता है जिस वजह से दूर से नहीं नज़र आता जल्दी और मुझे यहाँ पर इस पूरी बायो में नजर नहीं आया आगे वाली जो बायो मैंने तो जंगल बायो में इसके अंदर कोकोमैलेंस होते हैं तो सीधी सी बात है हनी बी नहीं होने वाला तो फटाफट गाय से हम लोग एक काम करते हैं इलाइट्रा पहनते हैं ओ बाई इलाइट्रा की एच बहुत कम है बट इलाइट्रा कभी टूटता नहीं है तो मैं रिस्क उठा सकता हूँ वैसे इसके अंदर मैंडिंग लगा हुआ है चार मॉप मारूंगा पैसा वसूल एक सेकेंड मुझे एक और मिल गया यहाँ पर लेट्स को भी ओ एक सेकेंड यहाँ पर एक नहीं दो तीन होंगे इधर एक और हनी बी उड़ रहा है ना गेरा हनी बी को मारने पे मिलता गया मैंने कभी ट्राई नहीं मे करा ओए नीचे आ तेरी ऐसी की मेरी बेस्ती करेगी कुछ मिला आ, कुछ नहीं मिला बस ये एक, एक दो कोड़ी का एक्सपी मिलता है थोड़ा बहुत सामने की तरफ में मुझे एक और नेस्ट नजर आया है फटाफट से गाय हम लोग इधर एक सेकंड एक सेकंड भाई इस वाली बायो में मेरे हिसाब से ना बहुत सारे होंगे नेस्ट क्योंकि यहाँ पर मेरे को हनी भी ज्यादा उड़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल ये अपनी डायमंड इसको तोड़ते हैं हम लोग ये मैंने कर दिया कलेक्ट तो ओके गाइस लेट्स गो फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ सीधा अपने कासल पे मैं यार ज्यादा रॉकेट्स लेकर गया नहीं था और अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ -सेफ एक ही रॉकेट और बचा है फिलहाल अभी मुझे पहुंचना है अपने कासल के ऊपर यहाँ पर मैं पानी डाल <laughs> पानी डाल देता हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ से जो मैंने नेदर रैक्स लगाए हैं ना उससे पूरे कासल की जो लुक है भाई खराब हो गई है तो उसको मैं चल करना भी तोड़ भी दूंगा लगे यहाँ थी फिलहाल मुझे पहले यहाँ पर दो ब्लॉक्स तोड़ने हैं ये थोड़ी बहुत निंजा टेक्निक है ज्यादा ब्लॉक्स तोड़ने की बिना ब्लॉक्स लगाए वैसे मुझे अब एक ब्लॉक लगाने पड़ेगा चलो कोई नहीं पर मैं लगाता हूं पानी ब्लॉक नहीं लगाऊंगा आज जुगाड़ से ही तोड़ूंगा इसको <laughs> इसको इसको भी थोड़ा इसको भी थोड़ा अभी हम लोग पानी को कलेक्ट कर लेते हैं और जल्दी से नीचे चलकर हम लोग ये वाले जो फालतू एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लगाए थे इनको भी तोड़ते हैं लेट्स को अब मेरे को बस इंतजार करना है कि ये जो नोब्स है ना भाई ये कब मेरे ऊपर रेड करने वाले हैं मुझे इनसे वैसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है बट फिर भी हाँ इनका मुझे इंतजार है मुझे अपने विलेजस को बचा कर आ, इनके रेट डाउन करवाने हैं ताकि मैं इनसे अब जितनी भी चीजें हैं ना सारी की सारी सस्ते में ले पाऊँ मतलब अब तो जो जो चीज़ें बीस एमरेट में मेरे को एक डायमंड की सॉट दे रहे हैं पिकैक्स दे रहे हैं डायमंड की विद एचेंटेड वो सारी की सारी मेरे हिसाब से पाँच या दस एमरेट में ही दे देंगे और मैं एक बार में ना सारी लेके रख लूंगा अपनी चेस्ट में ताकि मुझे डायमंड तो मतलब मजाक हो गया और भाई अभी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है जो भी उससे बनाना था सब इजिली मेरे को इनसे मिल जाएगा और इतनी देर हो गई है अभी तक इन लोगों ने मेरे ऊपर रेड नहीं करा वैसे हाँ यार इतनी जल्दी ये करेंगे भी नहीं उनका आउटपोस्ट ना यहाँ से काफी ज्यादा दूर है और अगर इस वो आएंगे मुझे डर लग रहा है भाई उनकी क्या कुटाई होगी एक बार आप लोग देखो भाई वह स्ट्राइडेंट है ऊपर से बारिश होगी तो खत्म है वो भाई नैदर राइट का सब कुछ है पांच पांच इस टाइम पर मेरे पास एक ही बार में इफेक्ट लगे हुए हैं भाई साफ बेचारे रो जाएंगे यार वो लोग गाइस जब तक वो आ रहे हैं ना मैं काम करता हूँ मेरे पास जो बो है ना उसके अंदर मैं पावर फाइव और इन्फा की एंटेटमेंट लगा देता हूँ मतलब पहले वाली बो बन जाएगी बस सेम टू सेम मेरे पास बुक्स मैंने यार काफी सारी रखी थी बट अभी काम के टाइम पे नहीं मिलने वाली मुझे मालूम है भाई क्या बताऊँ मैं एक सेकेंड प्लीज़ मिल जा मेरी ओ यहाँ पर पड़ी हुई है मेरी बुक्स तो मुझे टोटल टेन बुक्स यहाँ से चाहिए ये ले लेता हूँ मैं एमरल्ड्स मेरे पास पड़े हुए हैं तो चलकर हम लोग सीधा अभी उससे ट्रेड करते हैं फटाफट से मुझे टोटल

पांडा वांडा के नहीं लगनी चाहिए भाई से भी आओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फटाफट से ले मैं लेना अपने पीछे वाले विलेज में चलता हूँ पता चला मैं आगे घूम रहा हूँ पीछे से घूम के ओके भाई कोई भी नहीं आया यहाँ पर विलेजर्स बाहर तो नहीं घूम रहे ना कोई मैं बैल बजा कर नहीं अंदर कर देता हूँ सारे विलेजर्स अंदर हो जाओ भाई कोई भी बाहर नहीं दिखेगा क्योंकि वो लोग भाई विलेजर्स को बहुत देखते ही मारेंगे ओके अभी फिलहाल मैंने अच्छे से बैल बजा दिया है एक बार मैं अंदर चलकर देखता हूँ कि

कासल की वॉल मैंने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी और ये लोग ऊपर के यहाँ से गए हैं क्या की ये ऐसा हो ही नहीं सकता भाई यहां से कैसे चले जाएंगे वो मेरे को लग रहा है स्पॉन ही वहीं पर हुए हैं <laughs> नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो यहां से ऊपर जाएंगे फिलहाल अभी मैं इनकी बैंड बताऊँ इधर आओ भाई तुम ऊपर किससे किससे पुछ के ऊपर आए हो भाई 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 तो गंदा मार रहा है यार इधर आओ निकल निकल यहां से अपने आयरन गोलन को बुलाता हूं तुम्हें जो करना है ना कर लेना इतने से ही आए भाई थोड़े ज्यादा बंदे तो आते हैं एटलीस्ट पांच बंदे आ... से भाई <laughs> ये रेड करेंगे यार दो मिनट में मैंने इनको ढेर कर दिया कसम से भाई इनके ऊपर उनको बहुत तेजा आ रही है अभी ये अपनी अगली टीम लेकर आने वाले आओ भाई आने दो गाइस इस बारी इन लोगों को मैंने अपनी दोनों क्रॉस बो रीलोड कर लिया है अपने हाथ में बो भी रखी हुई है और साथ ही एक लावा बकेट भी रखी हुई है सीधा लावा की बाल्टी डाल दूंगा इनके ऊपर कलेश खत्म इनको भी तो पता चले मैं पहले वाला उज्जवल नहीं हूँ अभी जो कासा लेना है ना इसकी सिक्योरिटी सिक्योरिटी तो नहीं बढ़ी मैं अकेला का अकेला ही हूँ बट हाँ फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने पास आयरन गुलम है दिक्कत पड़ने पर मैं उन्हें बुला लूंगा भाई रेड तो हो चुकी है बट मेरे को ये नज़र नहीं आ रहा कहीं पर भी कहा से रेड कर रहे हैं यार ये अरे गाइस एक सेकेंड पता चला मैं इन्हें सामने की तरफ में ढूंढ रहा हूँ और ये मेरे विलेज पे पहुंचे पड़े हैं और विलेजर्स को मार रहे हैं वैसे वहां पर दो आयरन गोले में जो की बचा लेंगे और एक सेकेंड मुझे इनकी आवाज है ओ भाई साहब ये सारे के सारे नीचे हैं और ये अपने साथ उनको भी लेकर आए हैं जो वुडलैंड मेंशन के मालिक हैं तेरी भैंस की बनाऊं तेरे को मैं वुडलैंड मेंशन का मालिक उसको तो कोई फर्क ही नहीं है पर तो पीछे देखो पीछे भाई ये क्या बंदा है यार एक सेकंड रुक जा, रुक से जा, रुक जा, तुम्हारी ऐसी तैसी मैं करता हूं। लो ये चेक चको जरा इसका स्वाद कैसा आ रहा है ऊपर से तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल अमेरिका का झरना भिजवाया इसको टेस्ट करो सारे के सारे भाई इनके ऊपर जाने वाला अभी बहुत गदर लाभ अरे नहीं नहीं उधर नहीं जाना तुम्हें यार ये मेरे को देख के ना इधर आ गए हैं मैं काम करता हूँ थोड़ा सा ना उस साइड चलता हूँ ताकि ये इधर आए ओ भाई चले 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 वो सारे चले <laughs> भाई।, <laughs> भाई 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 बेचारे गलत फंसे ये इनका राजा है ना अपने सर पे बोर्ड क्या लगा कर बोर्ड है सी का एग्जाम देगा निकलती रही सी रुक जाओ इसको मैं बाल्टी कलट करके ना यहाँ डालता हूँ वहीं रहना वहीं रहना बेटा कोई दिक्कत नहीं भाई इनके साथ बहुत गलत सीन हो रहा है ये भी कह रहे होंगे यार इतना बुरा तो किसी ने नहीं मारा रेड में यार बोल लो भाई लावा से जला रहा हूँ भाई ये फायदा होता है एक बढ़िया खतरनाक कासल बनाने का बेचारे माइनक्राफ्ट वाले बंदे को भी पता नहीं चल रहा आया कहाँ से जाए इसके भी लावा पड़ा हुआ है इसके लावा से नहीं चलता क्या ये सारे जल के मर गए इसको भी, भी अकड़ा है एक मिनट यार मेरे हिसाब से मेरी ओ नहीं 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 मेरी सारी खत्म हो गई बट दिक्कत कहाँ आ रही है ट्राइडेंट तो है ही ना बारिश हो रही होती ना ऊपर उसकी, उसको मैंने मारा, सर का वो भी गिर गया, एमरेल भी क्योंकि ये कासल में आ ही नहीं पा रहे पहले ये लोग एंटर हो गए थे पता नहीं कहां से और, मतलब ऊपर चढ़ गए थे वॉल के बट अभी तो बेचारे वॉल के बाहर ही थे दोबारा से सायरन बजा है और इस बारी ओ पीछे से आ गए लोग तुम्हारी ऐसे इधर 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 के मारूंगा मुंह भाई वो देखो किसको लेकर आए ये अंदर नहीं जाना तेरी ऐसी मैंने ट्राइडेंट मारा है, बच गए लोग एक मिनट रुक जाओ यार पांडा तुम तो लड़ोगे ना इससे ओ मेरे विलेजर्स को मारे और नई 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 भाई ये पावरफुल नहीं, 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 नहीं ये पावरफुल नहीं है मैंने इस टाइम पर ना इलाइट्रा पहन रखा है अपनी चेस्ट ऊपर चलता हूँ ऊपर चलता हूँ ये जगह सेफ है ऊपर 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 ये उप ऊपर नहीं आ पाएंगे भाई क्योंकि मुझे पक्का मालूम है ऊपर तो नहीं आ पाओगे ना भाई बच चुकाओ रुक जाओ दिक्कत ये थी कि मैंने इलाइट्रा की जगह अपनी मतलब तो चेस्ट प्लेट की जगह इलाइट्रा पहना हुआ था और भाई ये जो इनका फाल कुत्ता या पता नहीं जो भी है कसम से और बड़ा डेंजरस है इसकी तो मैं अलग बैंड बजाऊंगा इधर आप सैडल पहन कर आया ना इसके ऊपर मैं राइड नहीं कर सकता मैंने कभी ट्राई नहीं करा है इसको ट्राई करें क्या पता मैं इसके ऊपर राइड कर पाऊंगा <laughs> क्योंकि सैडल लगा हुआ है अगर ये राइड कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता ब्रो इधर आओ राइड करने दे राइड रही करने दे हाँ बहुत शक्तिशाली हो रहा है तीन की तरह से ले यहाँ से अब आजा आगे आजा, 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 आजा। बहुत सही हल्के में ले रहा है मेरे को इसको पता नहीं है भाई कितनी ट्रिक्स सीख चुका हूं मैं इनसे बचने की एक सेकंड मैं बाहर इससे मजे में लड़ रहा हूं अंदर मेरे विलेजर्स कुट गए होंगे भाई जो मेरे विलेजर होल वाले विलेजर्स हैं उनसे तो मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद है कि वो बच गए होंगे फिलहाल ये लोग भी बच गए आ जाओ जाओ तुम मेरे से मिल लो उनसे मत पंग... ओ है। ओ है भाई मैंने ऊपर से अपने पांडा को मार दिया पांडा मेरे को नहीं छोड़ेंगे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ सामने की तरफ में बेचा है मेरे साथ से एक वही लास्ट बची है इसको चल के मारना है यार कसम से इस बार थोड़ा सा भारी पड़ गए थे ये लोग मेरे पे क्योंकि मैंने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया था हेलो पीछे से अब होने वाला दे दे दिया दिया इफेक्ट इफेक्ट जाते जाते इसने और ये से आने वाले है, नहीं, 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 पांडा तुम मेरे को मत मारो एटलीस्ट यार तुम्हें मैंने पाला पोसा इतनी दूर तक तुम्हें लेकर आया तुम बैम्बू खाओ आराम से इतना सारा उगा रखा तोड़ो खाओ स्पॉन हो रहे यहाँ पर भाई इस पार में गए इस वाटर बकेट मेरे पास है अबे वहाँ कहाँ जा रहा है हेलो इधर एक सेकंड इधर 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 इनको ना ऐसे नहीं मारना ये एकदम ही चूरन है इनको मैं दोबारा से थोड़ा अलग दिमाग लगा के मारूंगा इसकी ऐसी की तैसे मैंने कुछ कह नहीं रहा हूं ये सीधा जा रहे हैं मेरे विलेजर्स को मारने के लिए ना एक मिनट रुक जा ये वाला बंदा गंदा मरने वाला भाई मेरे हाथों से अब भी मैं इसको बताता हूँ ये ज्यादा अपने आपको शक्तिमान बन रहे हैं ना इधर मैं अपने पांडा को नहीं मारना चाहता वरना मैं इनके ऊपर अभी तक ना लावा बकेट ओ तेरी पांडा के सर पे मैंने दे मारा मैं यही कहने जा रहा था कि वरना अभी तक मैं इसके ऊपर लावा डाल चुका होता फिलहाल ट्राइडेंटी ट्राइडेंट इनके सर पे बज रहे हैं सर खुल गया होगा अब तक तो इनका लेट्स को। इसको मैंने मार दिया है सामने की तरफ में विच जा रही है इसके पड़ेगा एकदम मस्त बच गई रुक जा मैं वहीं आता हूँ एक सेकेंड

तो गाइस कोई एक लास्ट अटैकर बचा जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा अंदर की तरफ में तो मैंने अच्छे से चेक कर लिया मेरे हिसाब से वो बाहर वाली साइड पर ही होगा क्योंकि ये सारे के सारे बाहर की तरफ में स्पॉन हुए थे और इन्होंने सीधा अंदर को उसका अटैक करना स्टार्ट करा था तो मुझे ऑलमोस्ट सारे दिख गए थे और आप आप मेन लीडर होना इस गैंग के एक मिनट निकलो यहाँ से खत्म ओके एक और रेड अभी एक और रेड होने वाली इनकी कितनी होती थी टोटल यार चार ही तो होती थी ये तीन हुई है क्या अभी हाँ शायद ये तीन हुई है मुझे अंदर घुस जाना चाहिए फूड वुड खाकर मैं अपनी हेल्पफुल कर लेता हूँ भाई पहले कहाँ यार गोलम वगैरह इतनी जरूरत कवर वर बनाना पड़ता था अभी तो मैं खुला इन्हें कूट रहा हूँ भाई घूम के कसम से और अभी इस बारी बार इस बार ये पक्का पीछे साइड पर एक बार ये लोग लेफ्ट आए फिर राइट आए फिर फ्रंट में आए तो ये मेरे साथ से चौथी रेड है ये इस बारी पीछे आए होंगे फटाफट फटाफट अभी चलना पड़ेगा भाई इनसे डर लग रहा थोड़ा सा इस टाइम पर तो मेरे ऊपर इफेक्ट भी लग गए हैं ये आ तो चुकी हैं बट मुझे नज़र नहीं आ रहे कहीं पर भी एक तो यार अपना कासल इतना बड़ा है ना इनको ढूंढना पड़ रहा है कि भाई आखिरकार आए कहाँ पर है वो देखो मुझे मालूम था सारे के सारे यहीं पर है रुक जाओ अभी इनके ऊपर एक नहीं दो दो वाटर बकेट गिरने वाले हैं वो भी लावा की उसके बाद ऊपर से ट्राइडेंट की एकदम ताजी बारिश आ जाओ जाओ सर 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 इधर इधर मोस्ट वेलकम लेट्स गो एक लावा बकेट में आपके लिए इधर डालूंगा टेंशन मत करो इधर इधर लाइन लगा लो हाँ बहुत बढ़िया अब आ जाओ भाई कौन सा बदमाश बन रहा था इधर तीरी है ऐसी की तैसी निकल यहाँ से भाई इनकी किस्मत अच्छी थी क्या बच गए सारे दोनों तरफ से लावा जाने वाला नहीं 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 गए गए सारे गए सारे बिच गए भाई उसको देखो ज्यादा समझदार बनेगा पे वहाँ क्या कर रहा खड़े हो गए चल गए दो सेकेंड करे ओ उसकी मैं कैसे चला हेलो <laughs> मैं कैसे चला भाई फ्लेम वाला मारा है क्या उसने एरो मेरे हिसाब से उसने फ्लेम वाला एरो मारा ओ तेरी भाई वो भी आया हुआ है मेंशन का मालिक आया हुआ है भाई ये देखो और इसका अटैक देखने का वैसे तो आपने देखा हुआ है जिसने वुडलैंड मेंशन वाला वीडियो नहीं देखा ना वो लोग भी इसका अटैक देख लो भाई मतलब थोड़ा खतरनाक बंदा है यारे ओ तेरी इसकी स्पीड भाई इसकी स्पीड भी बढ़ जाती है क्या ना मैं इसकी तो मुझे मालूम ही नहीं था एक बार मैं नीचे चल गया ना उसको हाथ से मारूंगा किसी वेपन के बिना देखता हूं, ओ तेरी भाई जला हुआ ट्राइडेंट मेरे पास वापस आया था अभी निकल यहाँ से भाई बहुत गंदा फंसा के मारा भाई इनको इस बारी मजाक बन गया इन सभी विलेजर मतलब पिलेजर्स का तू भी निकल यहाँ से तू भी निकल भाई कुछ ज़्यादा नहीं खा रहा ओके सारे मारे जा चुके हैं मैं अपना लावा कलेक्ट कर लेता हूँ पता चला लावा मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया लेट्स गो सब कुछ कलेक्ट हो चुका है नीचे की तरफ में... ओ भाई, भाई 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 ये देखो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था ये जो इसने भेजे है ना ये भाई है तो डेंजरस मतलब इसके पास पावर बहुत तगड़ी होती है ये देखो अभी इससे मैं वन वी वन फाइट करने वाला हूँ विदाउट वेपन देखता हूँ ये मेरे को कितना टाइम लगाता है मारने में मैं कोई भी वेपन नहीं यूज़ करूंगा एक नॉर्मल वाटर बकेट अपने हाथ में रख लेता हूँ मतलब वाटर बकेट से वैसे भी कोई ज़्यादा एस्ट्रैच भी जाती नहीं है ये आया कर 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 अटैक कर 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 ये देखो भाई और तगड़ा लगता है यार समझे ओह भाई तो गई जबीना फिलहाल इसका बहुत हो चुका है मतलब अच्छा मॉन्स्टर है बट मेरे को नहीं अच्छा लगा वो भैंस की भाग रहा है ये मेरे से बच के ओके इधर आओ इधर आओ आपकी जान तो चेक कर लूँ मैं कितनी है अरे सर डर डर क्यों रहे हो निकल यहाँ से गया बेचारा दो सौ की जान थी और जाते जाते हमें मिल चुका है ऑफ तुम तुम अबे तुम, 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 तुम्हारा राजा मेरे क्या रेट वेट खत्म हो चुकी है पैसा वसूल भाई अब तुम रेट जितवा भी दोगे ना तुम्हें कुछ इनाम विनाम नहीं मिलने वाला लाल टोटे में फंडाइंग कलेक्ट कर लेता अरे बचा है, बचा 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 यहाँ पर एक नहीं चार चार बचे हैं ओके गाइस सामने की तरफ में बिचारा एक लास्ट बचा हुआ है इसके भी मैंने रख के सर पे बजा दिया है और ये भी मारा जा चुका है लेट्स को पूरी सेना खत्म हो चुकी है रेड हम लोग जीत चुके हैं एंड ये देखो हीरो ऑफ द विलेज लेट्स को अभी हम लोग चलते हैं सीधा कासल में और देखते हैं इस टाइम पर जितने भी विलेजर्स हैं उनके रेट कितने हो चुके हैं बेचारा एंडरमैन अभी अभी स्पोर्न हुआ था बारिश शुरू हो गई और आपको पता ही एंडरमैन को पानी से छूते ही एलर्जी है वो बेचारा टेलीपोर्ट होने लग जाता है ऑटोमेटिकली खड़ा ही नहीं हो पाएगा वो बिना जहाँ जहाँ पानी आ रहा होगा अरे हट हट तेरी हाँ यहाँ से ओके okay, तो चलो गाइस अभी फिलहाल मैं भागता भागता आ चुका हूँ सीधा अपने विलेज में जल्दी से हम लोग चलते हैं नीचे एंड इस टाइम पर मैं देखता हूँ सबके रेट क्या हो चुके हैं भाई साहब ओके okay, जो चीज़ ये फोर्टीन के दे रहे थे वो चीज़ ये टेन के दे रहे हैं मतलब इतने भी सस्ते नहीं हुए हैं रेट बट हाँ किसी किसी के सस्ते हो गए अपना मेन बंदा कहेंगे राजा भाई साहब राजा 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 ये राजा है क्या? तो नाम क्या भाई ये राजा नहीं है उसका नाम मैंने उसको नेम टैग ला दे दिया था राजा नाम का वो शायद से यहीं पर सोता है हमेशा हाँ यही होगा ये क्या नहीं यार राजा तो ये भी नहीं है बट इसके पास देखो जो चीज है मेरे को 27 मतलब ये 27 सेवन में मेरे को एक डायमंड सोड दे रहा है और अभी मेरे को कितने में दे रहा है नाइनटीन में मीन्स मैं, इस मैं इस एक और कितनी सारी ले सकता हूँ दो डायमंड इनको मैं रखवा देता हूँ इसके अंदर और अभी यहाँ से ना मैं और भी सारे एमलेट ले चलो अभी मैं कर लेता हूँ इनसे अच्छी खासी ट्रेडिंग वो भी डायमंड्स के सामान की ले आओ सर इधर आओ मेरे को डायमंड की शर्ट ना दे दो क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी अच्छी खासी अगर कलेक्शन हो जाएगी ना अपने पास ये रखी डायमंड और कहाँ पर चलेगा इधर आओ फार्मर एक और था ना राजा नाम का एक बंदा हुआ करता था मिल ही नहीं रहा यही तो है आज आ रहे ले आओ लाओ पिकेक्स ले फटाफट से इसको तो अगली बार में नैदर राइट में लेकर ओ मतलब कि नेदर लेकर चलेंगे क्योंकि जब भी हमें एंसेंट डेब्रीज माइन करने होता है ना तो पिकेक्स की बहुत कमी पड़ती है वहां पर हम लोग ये वाली पिकेक्स यूज़ करेंगे हमेशा क्योंकि जरा से एमरल में मिल जाती है और बहुत देर तक ये चलने वाली है तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने फालतू का सामान चेस्ट में स्टोर करवा दिया है एक काम करता हूँ बच्चर से मैं थोड़ा बहुत फूड ले लेता हूँ खाने का फिलहाल ये तो लेदर वर्कर है यार वो भी कुछ ऐसा सही दिखता है ये लाइब्रेरियन है एक सेकंड कहाँ चला गया बच्चर मच्छर तू कोने पे भाई ये शेफर्ड है नहीं नहीं यार ये नहीं ये ये लग रहा है मेरे को हाँ ये गोल्ड लेवल पे है ना पे कैसे सो रहा है तेरी ऐसी किसी बेड तोड़ो उठ तेरी भैंस की यही है बच्चर ओ भाई यही है लाओ भाई वो थोड़ा सा चिकन दे दो भाई फूड की भी कमी ख़त्म भाई आप सो जाओ यार आप बहुत बढ़िया बंदे हो येलो मैं आपके लिए बेड लगा देता हूँ यहाँ पर अपना चैन की नींद काटो प्यार से और इसके अंदर मैं रखवा देता हूँ अभी एमरेड्स मेरे को जब भी एमरेल्ड की कमी पड़ेगी पेपर्स लेकर आऊंगा छः सात लाइब्रेरियन है सबसे ट्रेड करके एमरेड लेंगे और जो क्लैरिक है उसको हम लोग अपना रोटन मेरे को इस टाइम पर ना क्लैरिक और लाइब्रेरियन की ना वो तादाद थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मैं जितनी मर्जी चाहूँ एम्ब्रेल से ले सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस टाइम पर रोटेन फ्लैश की कमी ही नहीं है मेरा जो गोल्ड फार्म है उसमें अंधा रोटेन फ्लैश मिलता है और शुगर केन फार्म में अंधे पेपर्स मिलते हैं तो सब कुछ एकदम सेट हो रखा है अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं नेदर के लिए नेदर जाने से पहले मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट करना है क्योंकि वहां पर जाकर मैं पिगलिन से गोल्ड ट्रेड करूंगा फिर वो लोग मेरे को देंगे ओ ओ ओ स्पाइडर आ रही है हाँ तो फिर वो लोग मेरे को क्राइंग ऑफ्सिडेंट देंगे क्राइंग ऑफ्सिडेंट से मैं री एंकर बनाऊंगा और मुझे थोड़ी बहुत रॉकेट्स भी चाहिए रॉकेट्स के लिए मेरे को चाहिए होगा गन पाउडर तो फटाफट से हम लोग वहाँ पर चल के गन पाउडर पहले बना लेते हैं मतलब रॉकेट्स बना लेते हैं तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैंने रॉकेट्स तो क्राफ्ट कर लिए हैं फिलहाल मैं थोड़ी बहुत ना एक्सपी कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अपना इलाइट्रा रिपेयर हो जाए वैसे मेरे पास एक्सपी फार्म तो है बट वहाँ तक जाने के लिए भी मुझे इलाइट्रा रिपेयर करवाना पड़ेगा मतलब नेदर फोर्ट्रेस में है भाई अपना मस्त वाला एक्सपी फार्म बाकी नेदर के टॉप पे है बट भाई है वहाँ पर मैं अगर वैसे जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा उससे बड़े यहाँ पर मैं मॉप्स मार के एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एटलीस्ट इसकी आधी एच मॉब्स क्यों नहीं नजर आ रहा यार पहली बार हो रहा है तो अभी मैंने फैंटम मेम्ब्रेन भी ले लिया है फटाफट से हम लोग अपने इलाइटर को डालते हैं सीधा इसके अंदर ये डाला अपना फैंटम मेम्ब्रेन और ये हो गया पूरा रिपेयर वैसे मैंने चेक नहीं करा कि, कि कितना टोटल हमें चाहिए होता है फैंटम शायद से पूरे चार में ये रिपेयर हुआ होगा तभी तो चारों यूज हो गए वरना तो ये बच जाते हैं ना अभी फिलहाल सब कुछ हो चुका है मुझे ऊपर से थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट करना है और लेट्स को हम लोग निकलते हैं सीधा नेदर के लिए मैंने थोड़ा बहुत ग्लो स्टोन डस्ट भी ले लिया है अब बस गाइस इस यहाँ से ना मैं थोड़े बहुत गोल्ड ब्लॉक भी तोड़ लेता हूँ कसम से बता रहा हूँ मुझे इसे तोड़ते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है बट यार अभी मेरे को मेरा मन नहीं है भाई मैं अपने गोल्ड फार्म पर जाने का मतलब वहाँ पर जाओ वहाँ से गोल्डन एनगेट्स कलेक्ट करो फिर उनको ला के मतलब स्मेल्ट करो मतलब ऑटो स्मेल्टर जब बन जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा और मैं नीचे क्या करने आया हूँ ओके गाइस ओल्ड एन अभी फिलहाल जो मैंने गोल्ड ब्लॉक्स तोड़े थे उसको मैंने गोल्डन इंगेट्स में कन्वर्ट कर लिया है और साथ ही एक शील्ड भी बना लिया है अपने लिए क्योंकि अपने पास एक टास्क ये भी है कि मुझे ना इस शील्ड के थ्रू रिफ्लेक्ट करना है किसी चीज़ को एरो तो मेरे हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं होती बट जो घास हमारे ऊपर फायर चार्ज मारती है ना वो रिफ्लेक्ट इससे हो सकता है लाल अभी जल्दी से मुझे ऊपर चलना पड़ेगा और आप लोग भी कह रहे हो भाई इतनी बढ़िया बढ़िया सीढ़ियाँ बना रही है लेकिन जाना जुगाड़ वाले तरीके से है बट इसमें एक मज़ा अलग है लाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा नेदर में लाइटर मैंने पहन ही रखा है अब फटाफट से घास मुझे उड़कर निकलना है सीधा किसी बढ़िया सी जगह के लिए जहां पर पिग्लिन हो मुझे अभी किसी से कोई मतलब नहीं है पिगलिन से मतलब है और मुझे इस ताँग... ओ भाई 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 इस टाइम पर थोड़ा सा मैं उड़ने पे ध्यान देता हूँ हाँ तो मुझे एक लावा पुल चाहिए कल तक मुझे लावा पुल से बहुत नफरत थी बट आज मुझे लावा पुल चाहिए जिसमें वो वाले ओ ये यहाँ पर तैर भी रहे हैं यही तो बस यही तो यहाँ पर मैं लैंड कर जाता हूँ मुझे इसके ऊपर सैडल रखना है कुछ इस तरीके से इधर आ जाओ इधर आ जाओ भाई साहब भाई साहब अच्छा फ़िशिंग रोड का उसमें ये यूज़ है मुझे फ़िशिंग रोड से ना इसको पहले अपनी तरफ खींचना है ओ आ जाओ यार ऐसे मत करो यार प्लीज़ ले बेटा खाना खिलाऊंगा लो सैडल पहनो पहन ली पहन ली इसके ऊपर बैठ गया मैं बट कोई एडवांसमेंट कंप्लीट नहीं हुआ फिशिंग रोड से कंट्रोल करते हैं क्या इन्हें राइडर विद अ रैप्ड फंगस ऑन अ स्टिक ओके तो अब मुझे समझ आया कि इसका क्या सीन है अगर मैं रैप्ड फंगस लेकर इसके आगे अपनी फिशिंग रोड ऐसे करूंगा ना तो ये शायद रैप्ड फंगस के पीछे जाएगा ओके 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 पहले बताने का था ना बट अभी मैं इसमें से उतरूंगा कैसे अरे अरे तो बड़ा ही डेंजरस माहौल हो गया मैं कूदूंगा तो सीधा मैं लावा में गिर जाऊंगा मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं एक ब्लॉक भी नहीं लगा पा रहा अरे यार तूने फंसा दिया मेरे को कूद के सीधा जंप मार देता हूँ ओके ठीक है बच गया मैं मेरा सैडल वापस कर बे तेरी मैं इसके ऐसे कैसे नहीं वापस करेगा इसके अभी मैं इसके भरता हूँ रुक जाऊँगा इस तो गाइस वो सब तो ठीक है बट ये बावड़ी पूछ मेरा सैडल चुरा के भाग रहा है इधर आ तेरी ऐसे की ऐसे कैसे कैसे भाग के जाएगा इसको भी मैं पीछे खींचूंगा पकड़ पकड़ के अपनी फिशिंग रोड से इधर आ सैडल वापस कर मेरा मैं किसी जब फंगस लेकर आऊँगा ना तब तेरे साथ खेलूंगा पता चला इसको सैडल पहना दिया और ये भाई सब जी डिसन हो गए तो वो सीन मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ये मैं तोड़ता हूँ नीचे यार ये लावा पुल ज़्यादा गहरा है बहुत गहरा है भाई यहाँ पर कुछ भी लग भी नहीं पा रहा कि मैं लावा भुझा कर इसको इस लैंड पर चढ़ा दूँ अरे भाई कहाँ जा रहा है यार सैडल चुरा के भाग गया है मेरी इतनी मुश्किल से मिली थी वो वैसे मेरे को पता भी नहीं है मिली कहाँ से अच्छा वो बड़े वाले मॉन्स्टर को जो मारा था वहाँ से मिली थी यार 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 आज 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 आ जा आ जा तेरी ऐसी की तैसी सैडल चुराएगा मेरा इतनी देर में तो मेरा फिशिंग रोड ही टूट जाएगा भाड़ में जाइए वाला एडवांसमेंट गाइस कर लेंगे बट बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए मुझे एक फंगस चाहिए होगा और कुछ नहीं करना है इसके ऊपर सैडल रख के इसके ऊपर बस बैठना है और अगल बगल घूमना है अपना काम कम्प्लीट फिलहाल इस वाले बायो में ना पिगलिन्स होते हैं और वो देखते ही मुझे मारने के लिए आने वाले हैं तो मैं अपने हाथ में गोल्ड रखता हूँ ताकि जैसे ही वो मुझे मारने आए मैं उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर दूँ क्योंकि आपको पता है भाई उन्हें गोल्ड बहुत प्यारा होता है वो सीधा ये लेते ट्रेड करने लग जाते हैं आया 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 सर 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 अब एक बार ये अटैक कर दो बस अभी माइंड कैफ वालों को पता चल चुका है कि आप मेरे को मार रहे हो और मैंने आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया है अचीवमेंट कम्प्लीट लेट्स गो और क्या करना था इसको मैंने पगलेट बना दिया है और रिस्पॉन एंकर बनाना है हाँ तो ओके okay गाइस अभी गाय फिलहाल मुझे यहाँ पर दो तीन पिगलिन मिल चुके हैं और इनको ना कसम से समझ नहीं आ रही कि मैं इनसे लड़ना नहीं चाहता हूँ अभी मैं काम करता हूँ इनको थोड़ा गोल्ड दे देता हूँ उनका ध्यान भटकाने के लिए अरे अरे तुम गोल्ड से खेलो यार अभी तुम कहाँ आ रहे हो लड़ाई वड़ाई करने बच्चे हो अभी तुम इनको भी मैंने एकदम तो मस्त कवर कर दिया अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और मैं आराम से ना इनसे ट्रेड करता रहूँगा ट्रेड करते रहो सामान के अरे 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 ये तेज बन रहा निकल यहाँ से नहीं तो गोल्ड लेना यार टेंशन क्यों ले रहा है गोल्ड ले और मेरे को क्राइंग ऑफ सीडें दे मेरे पास इतना टाइम नहीं है यहां पर मैं तुमसे लड़ने बैठू सारा गोल्ड गाइस अभी मैंने नीचे गिरा दिया है ताकि जो जो इनको मिलता जा रहे हैं सारे मेरे को देता रहे पोशन और फायर रेजिस्टेंस ये करिए ना काम की बात फिलहाल मुझे यहाँ से यार ऑप्शी वगैरह नहीं चाहिए नैदर कॉर्ड चाहिए थे बट अभी मैंने अपना गेट रिपेयर कर लिया अपने कासल का इसने ब्लैक स्टोन नहीं चाहिए ओ दिया 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 दिया, दिया। ओ वाह टाइम पर मेरे पास टोटल चार क्राइंग ऑफ ऑप्सीडियन हो चुके हैं दो और दे दो तो भाई बस मेरा काम हो जाएगा एंट्रपल वाह एंट्रपल वैसे बहुत रेयर है भाई नहीं देते ये लोग इतनी इजीली स्पीड रन में इनसे एंट्रपल लेने के लिए कम से कम समझ ओ नहीं गलती से आ गया तुम अपना गोल्ड में बिजी रहो भाई 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 मेरे को यहाँ से निकलने दो तुम अपना खेलो यार ये मेरे को मारने लग जाएंगे भाई बच गया मैं इसको तोड़ देता हूँ वरना ये भी बाहर आ जाएंगे मैं गलती से मजे मजे भी नीचे जाकर गिर गया था ओके okay, फाइनली इन्होंने मेरे को दो क्रैंक ऑफ और दे दिए हैं थैंक यू सो मच गाइस अभी आपके मेरे पास एक मस्त प्रसाद है ये जो गोल्डन एरो आपने दिया था ना ये तो आप ही खा लो एकदम बढ़िया तरीके से लेट्स गो इसको भी ढेर और तो तू तो पहले निकल चलो भाई अभी सबको मैंने लपेट दिया है मेरे पास इस टाइम पर जितने भी ये है, मतलब कि ये सारे फोर्टी एटी रॉकेट बचे हैं चलो कोई नहीं मेरे हिसाब सेवन थाउजेंड मतलब सेवन थाउजेंड किलोमीटर था कि सेवन किलोमीटर था सेवन थाउजेंड तो बहुत ज्यादा हो जाएगा यार बट सेवन किलोमीटर बहुत कम हो जाएगा तो मुझे इतना ट्रैवल करना था नेदर में एक बारी में देख लेता हूँ ये कितना है सेवन किलोमीटर है बस अरे ये तो बहुत कम है तो मैं अपना ये जो रॉकेट है ना इसको एक ही डायरेक्शन में उड़ना है, स्टार्ट करता हूँ धीरे धीरे जाऊँगा बट उस हिसाब से ना अगर मैं उस दूसरे वर्ल्ड में वापस दोबारा से एक नया पोर्टल बना के निकलूंगा तो मैं बहुत दूर पहुँच चुकाऊँगा उस टाइम पर अपने कासल से चलो कोई नहीं बहुत बढ़िया वापस भी आ जाएंगे सब कुछ अभी एकदम ओके है फूड वूड अपने हाथ में है फोर्टी मेरे हिसाब से पहुँचा देगा मुझे सात किलोमीटर दूर उड़ना स्टार्ट करते हैं मैं बहुत कम रॉकेट्स यूज करूंगा और एक 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 टास्क यहाँ पर हो रहा है अगर एक घास मेरे ऊपर अटैक करेगी और मैं उससे कवर बना लेता हूँ ना पहले तो एक काम करता हूँ चेस्ट प्लेट में पहन लेता हूँ घास ने मेरे को मारा मेरे को शील्ड से कवर बनाकर इसका ये जो है ना इसी के ऊपर वापस डिप्लैक करना है भाई हेलो ये आया कुछ इस तरीके से हो गया ये वाला टास्क भी अपना हो चुका है दोबारा से कर लेता हूँ बहुत सही अब इस घास को मैं लपेट देता हूँ भाई आज कम से कम मैंने पाँच से छः एडवांसमेंट कंप्लीट कर दिए हैं मस्त मस्त जो कि थोड़े मुश्किल थे बाकी करने में ओ बच गया भाई ज़्यादा हिस्पी नहीं गई कसम से भाई लावा होता ना वैसे नहीं कोई दिक्कत नहीं थी मेरे पास वो मिल चुका है मेरे को इस टाइम पर पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस स्प्लैश वाला भी वैसे वाला भी फिलहाल अभी जल्दी से हम लोग पहन लेते हैं अपना इलाइटर मेरे को मारने वाले और वैसे एक सेकेंड एक एडवांसमेंट तो रह गया भाई जिस चीज़ के लिए हमने क्राइंग ऑफ सीरियल लिया वही चीज़ अभी मैंने नहीं करी तो मुझे यहाँ पर रखना है तीन यहाँ रखना है तीन इस तरीके से बीच में रखना है ग्लो स्टोन ये बन गया अपना री एंकर एंड इस री एंकर को मुझे यहाँ पर रखना है एंड इसके अंदर मुझे डालना होता है ग्लोस्टोन कुछ इस टाइप से एक सेकेंड से ये अच्छा ऐसे डलेगा चार पाँच ओके ये वाला एडवांसमेंट भी मैंने कंप्लीट कर दिया अगर अभी मैं मरूंगा तो मैं सीधा यहाँ पर जिंदा हो जाऊंगा बट ये काफ़ी ज्यादा रिस्की है यार इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा क्योंकि शायद अगर मैं उस वर्ल्ड में भी मरूंगा तो मैं यहीं जिंदा हो जाऊंगा इसको मैं तोड़ लेता हूँ भाई ठीक है थोड़ा सा ग्लो स्टो वेस्ट जाएगा बट ठीक है वैसे गाइस ये वाला जो टास्क है ना मेरे लिए बहुत सिंपल था सबसे पहले मैं लावा बकेट हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि टॉर्च अभी है नहीं थोड़ी बहुत रोशनी हो जाएगी इससे तो मैं लेटर्स इजीली बना सकता था तो हम लोग सीधी सी बात है वायम वायम की टेंशन नहीं रहेगी सीधा नेदर का जो ऊपर बेडरोक वाली दुनिया है ना हम लोग इसको पार कर देते हैं ताकि हम लोग वहां पर इजिली सीधे सीधे उड़ते जाए सात किलोमीटर यू ही कंप्लीट हो जाएंगे अपने सबसे सिंपल तो मुझे मेरे पास एंटर पहले है मुझे बस यहाँ पर थोड़ी सी ना लेटर्स बनानी है तो कुछ इस तरीके से लेटर्स के लिए रखना पड़ता है एंड फिर उसके बाद यहाँ पर एक बीच में को तीन लेटर्स गई बस बहुत है तीन लेटर्स की मेरे को मैक्स जरूरत थी और अभी मुझे कुछ इस तरीके से यहां पर इसे सेट करना है सबसे ऊंचा वाला ना बेडरॉक अपना ये है तो यहां पर मैं तीन लेटर इस तरीके से लगाता हूं एंड एक ब्लॉक में लगा देता हूँ कुछ इस टाइप से क्राफ्टिंग टेबल भी मैं तोड़ के ले लेता हूँ भाई बहुत ज़्यादा जैसे कि अभी काम आ गया ना ऐसे ही काम आते रहता है तो ये पैक कर मैंने क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट कर लिया है वापस से हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक लगाते हैं दूसरा लगाया तीसरी लगी लेटर्स यहाँ पर अपने हाथ में लिए एंड्रपल लेट्स को एंड्रपल को फेंका एकदम सेंटर में हम लोग आ चुके हैं सीधा टॉप की दुनिया में अभी तो भाई कहीं पर भी जाओ सात किलोमीटर मेरे हिसाब से यूँ ही कंप्लीट होना है थ्री टू वन लेट्स को भाई पता नहीं मैं कितनी दूर निकलने वाला हूँ वैसे गाइस मुझे ना दो अलग अलग बायोम ना ढूंढनी है तो सीधी सी बात है मैं क्या करूंगा कि मतलब जहां पर भी हम लोग बाहर निकलेंगे वहीं पर मैं अपना एक नया पोर्टल बना लूंगा एक सेकंड ये मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर डाली यार मतलब मेरे पास अभी ज़्यादा ऑप्सीडेंट्स नहीं है सीधी सी बात अगर मैं ऊपर आया हूँ तो मुझे यहाँ से नीचे भी जाना पड़ेगा मुझे टोटल एटलीस्ट लीस्ट नाइन ऑप्सीडेंट्स तो चाहिए होंगे ना भाई एक नया वो बनाने के लिए नया पोर्टल यानी भी जितना सामान है सारा वेस्ट जाने वाला है ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा मैं चाहूँ तो एक अपना ये कोर्डिनेट से आज करके वापस से यहाँ पर आ सकता हूँ बट अरे काफ़ी ज़्यादा बेकार सीन हो गया यार मुझे ऊपर आने से पहले ना एक बार ही सोचना चाहिए था कि मेरे पास ऑप्सीडेंस नहीं है ऑप्सीडेंस थे बट सिर्फ और सिर्फ साथ ही थे अरे यार ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी थोड़ी सी भी दिक्कत होगी अपना सारा सामान हाथ से चले जाएगा वैसे इस टाइम पर एंशियन डिब्रीज की तो इतनी कमी मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है बट फिर भी यार इसके अंदर जो एनचेंटिंग लगी हुई है जो इन सब चीज़ों से प्यार है भाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल बीस और बचे हैं कोई नहीं पहुंचते हैं पहले वाला एडवांसमेंट कंप्लीट करने तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मेरे पास जितने रॉकेट्स थे सारे के सारे खत्म हो चुके हैं बट जो सेवन किलोमीटर वाला एडवांसमेंट था टास्क था वो कंप्लीट नहीं हुआ है भाई पता नहीं कितना ज़्यादा होता होगा भाई सेवन किलोमीटर में तो भाई चालीस रॉकेट एकदम बचा बचा के यूज़ करे मतलब एकदम टाइम आने पर यूज़ करे बट फिर भी वो नहीं हो पाई इलाइट्रा की एच पी आप लोग देख लो भाई पूरी खत्म हो चुकी है इसके बाद तो लाइटरा भी काम करना बंद कर देता मतलब यार अभी बस टेंशन एक ही चीज़ की हो रही है कि मैं यहाँ से बाहर वापस कैसे जाऊँगा यार मेरे को सच्ची में याद नहीं था कि मेरे पास सेवन ऑप्सीडेंस है और मैं अभी गंदी तरह फंस चुका हूँ हो सकता है इसके अंदर ऑप्सीडेंट पड़े हो एक सेकेंड अरे अरे वाटर बकेट कैसे जा रहा है जमीन पर चलकर बॉक्स रखना है आ, यार इसके अंदर भी ऑप्सीडेंस नहीं है भाई बैड लक मुझे यहाँ से अभी बाहर निकलने के लिए मरना पड़ेगा अगर मैं मरूंगा तो मेरा सारा सामान यहीं रह जाएगा और ये मेरे को जगह भी नहीं पता कौन सी है भाई मतलब मैं चाहूँ तो कोऑर्डिनेट्स याद कर सकता हूँ फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा सामान लेने कहीं ऐसा ना हो जब तक मैं यहाँ पर आऊँ ये डिसपोन हो जाए फिलहाल यहाँ पर हो सकता है घास्ट वगैरह भी हो भाई कसम से ये बहुत बहुत गलत सीन हो चुका है भाई अपने साथ तो चलो भाई आज की इस वाली वीडियो में इतनी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो भाई अभी मैं कुछ कर ही नहीं सकता मुझे लग रहा था ये वाला एडवांसमेंट मैं कंप्लीट करूंगा फिर अगला एडवांसमेंट देखेंगे बट अभी तो मैं फंस चुका हूँ भाई यहाँ मैं क्या ही करूँ अभी कोई एडवांसमेंट नहीं कर सकता तो चलो होगा आज की इस वाली वीडियो में इतने अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक करना और मुझे इस बेड रॉक को तोड़ने की कोई बढ़िया ट्रिक बताना बट उस ट्रिक में एक ये चीज़ है कि जितना मेरे पास सामान है इस सामान में हो पाए तो क्योंकि मेरे को तोड़ना तो आता है बट उसके लिए पिस्टन्स वगैरह लगते हैं डोर लगता है जो कि मेरे पास नहीं है तो आप लोग वो चीज मुझे कमेंट में जाकर जरूर बताना कि मैं मरने के अलावा और क्या यहाँ पर कर सकता हूँ और जिसने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और हाँ यार इंस्टा पे सजेशन देख लेना वहां मैं पक्का देख लूंगा तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना ही मिलते अगली वीडियो में बाय